पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित किसी भी समस्या अथवा जानकारी के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा माई MDA ऐप के जरिए अपनी हर योजना के प्रत्येक कार्य का दौरा इस ऐप पर लोड किया गया है। मंगलवार को मंडलायुक्त मुरादाबाद द्वारा इस माई MDA ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की जनता के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई जा रही आवासीय कॉलोनियों में भवन अथवा प्लॉट खरीदने के लिए या मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा समस्या के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जनमानस के लिए माई MDA ऐप को तैयार किया गया है, जिसके द्वारा अब आप पूरी जानकारियां इस ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तरफ एक कदम है तकनीक की मदद से। और सबसे बड़ी बात है लोगों से सीधे जुड़ने की, बिना ह्यूमन टच के। क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक तो ये खतरा होता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वही केवल प्राधिकरण तक अपनी पहुंच बना सकेंगे, और जो ज़रूरतमंद है या कमज़ोर है वो प्राधिकरण तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। तो एक तो वो चीज़ तोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीधा लोगों से कनेक्ट हो सके प्राधिकरण टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो प्राधिकरण की संपत्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से जो चाहता है, जो जैसा है, उसके पास पहुंच सके, इसके बारे में शुरुआत की गई है। आज आदरणीय मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद के द्वारा, आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ई नीलामी पोर्टल, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की NIC वेबसाइट और माई MDA ऐप, इन तीन चीज़ों का आज लोकार्पण किया गया। मैं एक एक करके तीनों की विशिष्टियां आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारा ई ऑक्शन पोर्टल है, ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है प्राधिकरण की, जो नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय होता है उनको अचीव करने के लिए। इसमें जो है हमने एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाया है और वो हिंदी में है। बाकायदे जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं MDA की किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने में, वो इस वीडियो को पहले देख सकते हैं और इसके माध्यम से फिर उस वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं से उनको ऑनलाइन ही उस परिसंपत्ति की बुकलेट परचेज की जा सकती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।